टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। भारत टीवी आ पहुंची है गांव खानपुर में। दरअसल पूरे मेवात सहित पूरे देश भर में बरसात हो रही है और बरसात का आतंक किस तरीके से पूरे देश में बरप रहा है वो आप देख रहे हैं। चाहे हम लोग स्थिति के बारे में बात करें जयपुर की या फिर बात करें गुड़गांव में की, खैर वहां की स्थिति बद से बदतर है। पूरी तरीके से घर बार डूब चुके हैं और पूरी तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं एक तस्वीर जब हम लोग मेवात इलाके में आए तो मेवात इलाके में खानपुर गांव में जैसे हम पहुंचे तो बरसात काफी ज्यादा थी। कम से कम सुबह करीब फजर के वक्त से बरसात हो रही है और अभी भी बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन खानपुर वालों के लिए ये बरसात थोड़ी सी खतरनाक साबित हुई। दरअसल खतरनाक हम लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो घर है ये पूरी तरीके से ढह चुके हैं, पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यानी कि इनके मलबा को देख करके हम लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरा का पूरा घर है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार पूरी अच्छी तरीके से जूम करके दिखाए कि किस तरीके से एक जो मकान जो लोग अपना आवास या फिर यूँ कहे कि घर रहने के लिए बनाते हैं वो अब पूरी तरीके से बरसात की वजह से नष्टा नाबूद हो चुका है। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार आए और हम लोग उन परिवार वालों से भी बातें करेंगे जिनका ये मकान था। दरअसल मकान गिरने से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, क्योंकि लोग जब बरसात हो रही थी तो अपने घरों के अंदर थे, जैसे ही ये मकान गिरा तो इसमें जो लोग थे वो कहीं ना कहीं गिर गए थे और दब गए थे। कई सारे लोग जख्मी हैं, जख्मी कितने लोग हुए, कितने लोगों को नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान घर गिरने से हुआ है वो हम यहाँ के परिवार वालों से बात करते हैं। साहब दीन जी, अच्छा ये बताइए ये मकान जो आपका है ये आपने कब बनाया था? ये बनाया तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा इसको बने हुए 15 साल हो गई हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो मकान गिरा कैसे गिरा, कुछ किसकी वजह से गिरा पता है आपको? ये ऐसे गिरा जी बरसात तो ही ज़्यादा तो मोरी में तो पानी ना खिंच पाया। अच्छा बाखड़ में पानी भर के है नहीं, जब पानी बढ़ा है इसमें। अच्छा नीचे? हाँ नीचे। तो पानी बढ़ने के बावजूद मतलब मकान गिर पड़ा। अच्छा नींव मतलब कच्ची हो गई, टहल गई? बिल्कुल टहल गई, फूल मतलब ऐसे हो गई टेढ़ी, तो मकान गिर पड़ा। कितने मकान गिरे? तीन मकान। पांच मकान तो इसमें बच्चा सो रहे चार। अच्छा उन्हें कोई पता ना क्या हो रहा क्या ना हो रहा, बरसात हो रही है ना हो रही, वो अपना आराम से सो रहा है। जब मकान गिर पड़ा है तो जब मतलब पड़ोसी भक्त आया है इधर बिधर से, 2 घंटा में वो निकल पाया। जतन में पूरा गांव निकल आया बरसात में, बरसात इतनी ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बरसात। अच्छा तो इसलिए ऐसे यह हिसाब से मकान गिरा। अच्छा बताइए जब बच्चे इसके अंदर दब गए तो कितने देर में निकाले उन लोगों को? वो 20 मिनट 25 मिनट में। आठ घंटा तो कम से कम समझ के चलो, 20 मिनट नहीं। अच्छा तो एक बच्चा तो और भी 1 घंटा बाद में निकला। अच्छा तो बच्चों को कितनी लगी है? कितनी बच्चे को लगी है? इतने का अभी उनको कुछ मालूम नहीं है, वो पलोल पहुंचा पड़ा। अच्छा पलोल रेफर कर दिया? हाँ पलोल रेफर हो गया। कितनी कितनी उम्र थी, कितनी एज रही होगी? 2 बच्चान की उम्र तो है कम से कम भी 30-30 साल की। अच्छा एक लड़की 6 साल की ही, एक लड़का 4 साल का। अच्छा तो कहाँ कहाँ लगी थी उनके? तो जी उस बच्चा के ऊपर तो बैंट रैक गिरा है, उसकी तो अभी कोई मालूम ही नहीं है कहाँ लगी है कहाँ ना लगी, फूटा तो वह है नहीं, उन दोनों का सिर फट गया है। तो होश में थे बेहोश थे? अब फिलहाल तो वो होश में, जब बेहोश निकाला। अच्छा बेहोश तो उसका मेरे हिसाब से एक हाथ भी मतलब है इधर से फटा है या टूटा है या मतलब वैसे ही फटा, अभी उसको कुछ कन्फर्म नहीं। डॉक्टर ने वो रेफर कर दिया पलोल जाके पता लगे। अच्छा आप लोग वैसे यानी करते क्या हैं? करता गए खेती बाड़ी और मजदूरी काम करता। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ कोई तो है ना, हमारे कोई बिजनेस लग रही है, हम नौकर लग रहा है सरकारी। अच्छा यही अपना मजदूरी का काम है। प्रशासन से कुछ उम्मीद है की सरकार आपकी मदद करे? तो अब मदद करोगा तो जब ये तो होगी, ये सैलरी भाई हमसे होगी, अब आप करो कोशिश, जब ये तो कुछ मिलेगा। घर में रखा हुआ जो सामान था वो अब दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सामान किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है परिवार वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये वो बैंड्रा है
जो लड़की के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी है। यानी कि बैटरा आप अंदाजा लगाइए कितना इसमें वजन होगा, उठ भी नहीं रहा है, कम से कम भी 30-35 किलो वजन होगा इसमें, और ये पूरी तरीके से ऊपर से गिरता है तो स्थिति क्या रही होगी। इसके अलावा देखिए फ्रिज है, ये फ्रिज उस मकान में रखा हुआ था, इसका ये पार्ट पूरी तरीके से टूटा हुआ है, और इसका जो कूलिंग वूलिंग करता है वो इसका सामान पूरा यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा पंखों की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो पंखे हैं जो कहीं ना कहीं छत पे लगे हुए थे और मकान ढहने से ये नीचे गिर गए, तो जाहिर सी बात है कि अगर पंखे गिरेंगे तो ये भी उन्हीं लोगों के ऊपर गिरेंगे जो उस मकान में उस टाइम पे मौजूद थे। इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है। अच्छा बताइए, उसके अलावा मकान के अंदर और क्या सामान था? इसके अलावा आठ बहुत होंगी, मशीन थी, अच्छा, और पूरी अलमारी जो है वो सारे खत्म हो चुके भाई। चलिए, ये परिवार के लोग हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं। सामान की स्थिति हमने आपको दिखा दी है, किस तरीके से सामान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान ढहने के बाद बर्बादी का मंजर यही नहीं थमता, इसकी एक और तस्वीर जिसे देख करके शायद आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये संदूक है जो कि मेवात के हर एक घर में मिल जाएगा, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। मैं कहूँगा कि ये पूरी तरीके से दिखाएं कैसी स्थिति इसकी हो चुकी है, और जिस तरीके की स्थिति इसकी संदूक की हुई है उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मकान किस तरीके से ढहा होगा और मकान में सोने वाले लोग की स्थिति क्या रही होगी। इसके अलावा वो एक संदूक है, दूसरी संदूक ये थी, मतलब घर में पूरा सामान भरा हुआ था, और सामान कोई थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा सामान भर के रखा हुआ था। वो सारा का सारा सामान टूट कर नष्टा नाबूद हो चुका है। ये कूलर है जो कि इसके अंदर रखा हुआ था, साथ ही एक नई साइकिल जो कि बच्चों के लिए होगी या परिवार के लिए होगी, ये भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। हैंडल इसका पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं बचा जिसे हम ये कह सकें कि ये सामान तो अछूता बच गया हो। सारा सामान टूट कर पूरी तरीके से नष्टा नाबूद हो चुका है। चलो सामान तो देखा जाए, लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक जितने भी कंडीशन जो लोग उस घर में सो रहे थे उनके बारे में बता रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। यानी कि इतना मलबा गिरने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति जीवित बच सकता था। खैर, ये आप लोगों की दुआएं हैं और मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से भी कि जो ये बेचारा गरीब परिवार है अगर हो सके तो इनकी मदद की जाए, जिस तरीके से इनके साथ ये बारिश काल बनकर टूटी है। तो ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ती जा रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर पानी ज्यादा हो जाए, कई गांवों में गया जैसे मानवता का गांव मैंने दिखाया आप लोगों को, वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा थी। पानी ज्यादा जमा होने के बावजूद जो बेसमेंट के पिल्लर थे वो भी पूरी तरीके से उनमें दरार आ चुकी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पानी अपने आसपास जमा ना होने दे, अगर निकासी हो जाए तो निकासी की व्यवस्था जरूर कराइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट जहीर के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात खान।